घर से निकली थी स्कूल के लिए, घात लगाए बैठे पड़ोसी ने की वारदात। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शहडोल के आदिवासी अंचल में रहने वाली एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कक्षा 9वीं पढ़ने वाली छात्रा जब अपने घर से स्कूल के लिए निकली, तभी घात लगाए बैठे पड़ोसी ने रास्ते पर छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। वही आरोपी अभी भी फरार है। जैतपुर पुलिस ने बताया कि छात्रा के साथ के पड़ोसी ने दुष्कर्म किया, तब अकेली थी। आरोपी युवक ने पहले डराया धमकाया, फिर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस बात से स्कूली छात्रा बहुत डर गई। महिला थाना प्रभारी नेहा बैगा ने बताया कि लगभग पिछले 2 साल से आरोपी युवक छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा है। जब से छात्रा इस कृत्य का विरोध करती हुई, आरोपी युवक उसे शादी करने का झांसा देता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिर से युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा है। छात्रा ने आरोपी से शादी करने की बात कही, तब से आरोपी मुकर गया, जिससे एक बार स्कूली छात्रा अपने परिजनों के साथ थाना पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। एडिशनल SP अंजुलता पटेल का कहना है कि 15 साल की बच्ची के साथ दुष्चार करने का मामला सामने आया है, जिस पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।